दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले साल नवंबर में कि कनाडा इमिग्रेशन और वीज़ा सिस्टम में अब रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन देते हैं कि आपका वीज़ा लगना है कि नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपको दें ना दें। काफ़ी कुछ ये रोबोटिक ऑटोमेटेड प्रोसेस हो गया है और उसका जो एक रेफरेंस है, आज एक रिपोर्ट आई है January 10 वैंकूवर सन में, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। वैंकूवर सन डॉट कॉम पर जाके आप टाइप करके ये देख भी सकते हैं, डगलस स्टॉट की ये रिपोर्ट है। और ये भी उस चीज़ को एम्फसाइज करते हैं कि वाकई ही ऐसा ये हो रहा है, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कैसा हो रहा है। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या है सच्चाई। जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, वैंकूवर इमिग्रेशन लॉयर हैं रिचर्ड कर्लिन, और रिचर्ड कर्लिन का इंटरव्यू लिए जा रहा है ये कि टू प्रोसेस ह्यूज नंबर ऑफ वीज़ास फास्ट एंड चीप रेजेस क्वेश्चन अबाउट वेदर ऑटोमेटेड बिग ब्रदर सिस्टम फिल ओपन टू स्क्रूटनी। देखते हैं इसमें क्या है। और इसमें इन्होंने चाइना और इंडिया का भी नाम लिया हुआ है। टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ वुड बी गेस्ट वर्कर्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया हैविंग द फेट्स डिटर्मिंड बाय कैनेडियन कंप्यूटर्स दैट आर मेकिंग वीजा डिसीजंस यूजिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स के बहुत से लोगों का, जिनका तो वीज़ा लग गया ठीक है, जिनका वीज़ा नहीं लगा तो आप ये ना सोचेंगे कि किसी ऑफिसर ने वाकई देखा है। हो सकता है कि आपको मशीन ने पहले ही बगैर देखे ही, कुछ वर्ड्स देखे ही आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। देखें और क्या है। ऑटोमेटेड डिसीजन इन अप्रैल ऑफ दिस ईयर पब्लिक साइटी टेरे टेरे। काफ़ी लंबा आर्टिकल है आपको, इसको मैं एक्चुअली लिंक दे दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। और यहाँ देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। लेट्स सी, ये देखिए, इंटरनल डॉक्यूमेंट वॉज स्पेशली कंसर्न विद अ सिंगल ऑफिशियल हैज ऑलरेडी ऑलरेडी फॉल्सली साइन हिज नेम टू काउंटलेस वीजा डिसीजन अफेक्टिव माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना विदाउट एवर रिव्यू द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। मतलब के एक ऑटोमेटेड एक ऑफिसर का नाम काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पे आ गया और ये नहीं पता कि उस वाकई वो एप्लीकेशंस का रिव्यू हुआ है कि नहीं है फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। सो आप देख लो द इंटरनल मेमो, अगली लाइन है, शोज टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वीजा डिसीजन वॉज साइंड ऑफ अंडर द नेम ऑफ वन एम्प्लॉई। काफ़ी सारी एप्लीकेशन, इफ समवन पुल दैट स्टैंड ऑन अ वीजा एप्लीकेशन दे वुड बी बैन फॉर कैनेडा 5 ईयर्स मिस्टर। सो ये देख लें, ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को अगर आपको पढ़ना है तो आप, ये दूसरा एक लॉयर है, उसने भी अपना कॉमेंट्स दिया है, तो इसको आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑन पोस्टेड ऑन January 10 एंड दिस इज ऑन वैंकूवर सन, सो यू कैन रीड इट। सो वो बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये वाकई हो रहा है, इंडिया और चाइना टारगेट कंट्रीज हैं। और इसका जो जो पहले वाला जो वीडियो है वो भी मैं आपको एक लिंक में डाल देता हूँ, और उसको आप भी आप क्लिक करके देख लेना कि वाकई सच्चाई हो रही है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और कमेंट्स जरूर बताएं क्या सोचते हैं कि आपको अगर वीज़ा मिल गया है, यहाँ पर वीज़ा लेकर आए हो आप, हो सकता है किसी कंप्यूटर ने आपको वीज़ा दे दिया, अगर रिफ्यूज़ हो गया है तो कंप्यूटर ने रिफ्यूज़ कर दिया, आपको किसी ऑफिसर ने देखा भी नहीं है। थैंक यू।